रसोई आज हम बनाने जा रहे हैं हरी प्याज और आलू। एक हरी प्याज, दो बारीक कटा हुआ टमाटर, दो आलू, एक टेबलस्पून धनिया, वन टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून हल्दी, एक चम्मच अदरक लहसुन और नमक स्वाद अनुसार। एक कढ़ाई में मैंने एक चौथाई कप तेल लिया है, जिसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अभी ये गरम हो जाएगा, उसके बाद उसमें हम आलू डाल देंगे और उसको सौते करेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब उसमें हम आलू डाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। ये अब हमारे आलू सौते हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन तक उसको सौते कीजिए। अब हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब उसमें बारीक कटे हुए टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर एक बार और इसको मिक्स कर लेंगे। बस उसको और थोड़ी देर टमाटर थोड़ा गल जाए तब तक रहने दी। टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, थोड़ी देर और सॉफ्ट होने दीजिए। गैस थोड़ा सा स्लो कीजिए और हमने जो ड्राई मसाले निकाल के रखे हैं वो सब ऐड कर दीजिए। अभी सब मसाले को मिक्स कर लीजिए। गैस थोड़ा सा फुल कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले चिपके नहीं। अब मसाला भून चुका है, अब इसमें हम अपना हरा प्याज जो काट के रखा है वो ऐड कर देंगे। गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे। बस उसको 2 मिनट के लिए अभी स्लो पे रख दीजिए। 2 मिनट हो गए, अब हम गैस बंद कर दें। अब मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।